गाइस वेलकम बैक टू न्यू फ्रेश ब्लॉग वीडियो। तो आज का जो अभी वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो शूट कर रहा हूँ मैं गोप्रो से, तो हो सकता है कि इसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छा ना आता हो और वीडियो क्वालिटी भी अच्छा ना आ रहा हो अभी, तो थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जैसे जैसे शूट करूँगा वैसे वैसे मुझे पता चलेगा कि इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, वीडियो कैसा आ रहा है, एडिटिंग कैसे करना है। तो धीरे धीरे इसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, तो देखते रहिए वीडियो को। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि मैंने अभी एक स्टील बर्ड का हेलमेट परचेज किया है अपने मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो चलिए मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि कौन सा हेलमेट है, उसका अनबॉक्सिंग करना बाकी है और उसका रिव्यू भी करना बाकी है। तो चलिए देखते रहिए। तो ये रहा मेरा हेलमेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। तो पहले ही मैंने जैसे कि बताया कि अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या ऑडियो में कोई, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये गोप्रो का पहला वीडियो है मेरा और इससे पहले मैं कोई भी टेस्ट करके देखा नहीं हूँ कि इसमें क्वालिटी कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि iOS कम हो, उसकी वजह से मेरा फेस भी काला दिख रहा हो और बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि पहला ब्लॉग है तो सब कुछ आपको थोड़ा ना थोड़ा इग्नोर करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा इग्नोर आप कर लीजिएगा। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से स्टील बर्ड का हेलमेट ऑर्डर किया है। इस हेलमेट का जो SBH टर्मिनेटर है 17, तो ये हेलमेट जो है मुझे पड़ा था 2000 के करीब में और इसके साथ मुझे एक एक्स्ट्रा वाइजर भी मिला था जो कि आगे लगता है, जो कि मतलब शीशे जो होते हैं हेलमेट का उसी को वाइजर बोला जाता है। उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा भी मिला, एक प्लेन मिला और एक कलरफुल मिला ब्लैक कलर का। तो चलिए सबसे पहले इस कैमरा से स्विफ्ट करते हैं DSLR में, ताकि उससे जो है अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा बन पाए। तो जिन लोगों को पता नहीं है मेरे GoPro एक्शन कैमरा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक GoPro कैमरा परचेज किया है। इसका मेन वीडियो मेन चैनल पे मेरा वीडियो आ चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर देख लीजिएगा। GoPro एक एक्शन कैमरा होता है छोटा सा, जिससे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कुछ भी कि कैसा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरे GoPro के रिलेटेड जो वीडियोज आपने नहीं देखा जो मैंने मेन चैनल पर डाला है, तो जाकर देख लीजिए। अब चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं हेलमेट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, फिर मैं आपको अगले आने वाले कुछ वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसको हेलमेट पे कैसे माउंट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्लिपकार्ट से मैंने परचेज किया स्टील बर्ड का हेलमेट। यहाँ पर ब्रांडिंग देख सकते हैं, स्टील बर्ड लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है स्टील बर्ड हेलमेट, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। इसका स्टिकर भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ फ्लिपकार्ट का स्टिकर लगा हुआ है और ये मैंने ऑफर में परचेस किया था। इसका जो मेन प्राइस है वो 2000 के करीब है और ऑफर में मैंने लिया तो 1800 के आसपास मुझे ये पड़ा है, तो ऑफर में ले सकते हैं आप। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ये मैं पहले से ही ओपन करके देख लिया था इसमें कि हेलमेट है या नहीं है, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं रहता है तो उसको रिटर्न करना के कुछ ही समय बाकी रहते हैं, तो उसी समय के अंदर में रिटर्न करने पड़ते हैं। तो हेलमेट के सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाता है एक एक्स्ट्रा वाइजर, जैसे कि मैंने बोला था कि हेलमेट के साथ एक एक्स्ट्रा वाइजर भी मिलता है, तो मैंने ये ब्लैक वाला मंगाया था, तो ब्लैक वाला भी मिलता है। अगर आप गोल्ड वाइजर चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक फोम का पैकेट है प्लास्टिक का और इसी में हेलमेट है। तो चलिए इस डब्बे को करते हैं यहाँ से साइड और ये रहा हमारा हेलमेट। चलिए इसको निकालते हैं इसमें से। हेलमेट की अगर क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले ही देख चुका हूँ, तो हेलमेट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये रहा ब्रांड न्यू हेलमेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी साइड करते हैं तो ये एक्स्ट्रा वाइजर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हेलमेट है इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसका डिज़ाइन या सब कुछ बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैंने परचेस किया। और मेरा बाइक भी रेड और ब्लैक में है, तो रेड और ब्लैक में मैंने ये परचेस किया है। वैसे आपको ये बहुत सारी कलर में मिल जाता है, तो जो भी आपका बाइक का कलर है उस बाइक के कलर के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये रहा वाइजर और वाइजर पे अभी ये स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको यहाँ से निकालते हैं। तो ये रहा, तो ये जो अभी वाइजर इस हेलमेट में लगा हुआ है ये प्लेन वाला लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेन वाइजर है, ठीक है। और इसी के साथ ये मुझे ब्लैक वाला वाइजर मिला है जैसे कि यहाँ पर है रखा हुआ। तो अभी क्या है कि अगर मैं चाहूँगा तो ब्लैक वाइजर लगा सकता हूँ ये प्लेन वाइजर को यहाँ से रिमूव करके, और ये ब्लैक वाला वाइजर जो है मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, जिससे हेलमेट जो है मेरा ब्लैक हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा ब्लैक वाला हेलमेट। तो इसको साइड करते हैं। वाइजर की क्वालिटी की बात करें तो वाइजर का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, नॉन स्क्रेचेबल है, इस पर स्क्रेच नहीं होगा। और दूसरी बात, ये हेलमेट में मुझे दोस्तों सबसे अच्छी बात ये लगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप बाइक चलाते हैं तो आपको वाइजर को ओपन करने के लिए हाथ से ओपन करना पड़ता है, यानी कि एक हैंडल आपको छोड़ना पड़ता है फिर इसको ओपन करना पड़ता है, और कभी कभी ये फंस जाता है तो जल्दी ओपन नहीं होता है। पर इस हेलमेट में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन मिल रहा है यहाँ पर,
कैमरा पर दिख रहा होगा ये रेड कलर का बटन, जैसे इसको प्रेस कीजिएगा बस आपका वाइजर जो है ओपन हो जाएगा। ये वाला रेड बटन जो है जैसे इसको प्रेस कीजिएगा आपका ये वाइजर जो है ये ओपन हो जाएगा, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात इस हेलमेट में एक यही लगा। वैसे इस हेलमेट में अभी बहुत कुछ है बताने को जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा भी, तो ये बटन से ये वाइजर ओपन हो जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है, कुछ ही टाइम के अंदर में आप वाइजर को ओपन कर पाएंगे। दूसरी बात इसमें सबसे अच्छी ये बात लगा कि कभी बहुत सारे ऐसे वाइजर होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट ऐसे बंद कर दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलता है या बंद हुआ या नहीं बंद हुआ है, तो यहाँ पे डबल लॉक सिस्टम है। डबल लॉक सिस्टम का मतलब ये हो गया कि अगर आप चाहते हैं कि हाफ वाइजर बंद रहे तो जैसे ही आप इतना कीजिएगा बस ये कट सा आवाज आएगा और ये लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा वाइजर ये ओपन ही है और ये लॉक हो गया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं पूरा वाइजर बंद हो तो इसको थोड़ा सा और भी प्रेस कीजिएगा बस ये वाइजर बंद हो जाएगा और कट सा आवाज आएगा, तो ये वाइजर आपका पूरा जो है लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते कट सा आवाज आया और ये वाइजर आपका जो है पूरा यहाँ पर बंद हो गया, थोड़ा सा भी इसके अंदर से हवा नहीं जाएगा। दूसरी बात इसमें सबसे अच्छी ये बात लगा कि इसका पीछे का डिजाइन जो है लुक जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं पूरा स्पोर्टी लुक आ रहा है पीछे से, जो कि ये भी काफी अच्छा है इस हेलमेट में। उसके बाद एक और इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको जो एयर अंदर जाने के लिए आपको बहुत जगह से आपको इसमें जो है डॉट डॉट मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बटन टाइप का है, इसको अगर आगे कर देते हैं तो ये वाइजर का जो हवा जाने वाला है वो बंद हो जाएगा, और इसको पीछे अगर आप कर देते हैं तो ये सारे डॉट्स जो है ये ओपन हो जाते हैं और इसके अंदर से आपका जो है सर में अंदर हवा जा पाता है, जिसमें हेलमेट में अंदर जो है ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है। तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अंदर हवा जाने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे डॉट्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नेट जैसा यहाँ पर लगा हुआ है, इससे भी अंदर हवा जाता है, इससे भी अंदर हवा जाता है, दो यहाँ पर भी नेट जैसा है, इससे भी अंदर हवा जाता है। तो हेलमेट जो है काफ़ी अच्छा है, तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोस है तो आप देख सकते हैं। छोटा सा आप एक सिनेमेटिक वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा क्या दूंगा, आपने देख ही लिया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो हेलमेट काफ़ी अच्छा है, अगर आप 2000 तक लेना चाहते हैं तो आपको ये 2000 तक मिल जाएगा, और ऑफर में लेते हैं तो 1800-1700 के आसपास में ये हेलमेट आपको मिल जाएगा। साथ में आपको बहुत सारे वाइजर भी आते हैं, अगर आप ब्लैक वाइजर के साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको ब्लैक वाइजर मिलेगा, गोल्ड वाइजर के साथ ऑर्डर करते हैं तो आपको गोल्ड वाइजर इस हेलमेट के साथ मिलेगा। अब ये हेलमेट को मैं कुछ दिन यूज करूंगा, और कुछ दिन यूज करने के बाद फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि यूज करने के बाद कोई प्रॉब्लम निकलता है या नहीं निकलता है। तो जब मैं वो वीडियो बना दूंगा तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। तो जैसे कि आपने हेलमेट देखा कि हेलमेट बजट में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके बजट के लिए हेलमेट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अभी ये थोड़ा गंदा है तो इसको थोड़ा सा साफ करूंगा तो ये और भी अच्छा दिखेगा, और ये सारे कलर में अवेलेबल है, ब्लू में, येलो में, रेड में, ब्लैक में, सारे कलर में अवेलेबल है। तो सेम डिज़ाइन में अगर आप अलग अलग कलर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैं अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर जो सेलर है उसका रिटर्न पॉलिसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम वो लोग कर देते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि अमेजोन से आप परचेस कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो भी वाइजर लेना चाहते हैं वो वाइजर के साथ आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो हेलमेट काफ़ी अच्छा है, पीछे से भी ये लुक इसका काफ़ी अच्छा है, साइड से भी इसका लुक काफ़ी अच्छा है, आगे से इसका लुक थोड़ा फ्लैट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे मोटो ब्लॉगिंग करना है तो मुझे आगे कैमरा लगाना है, और आगे से अगर ज़्यादा निकला हुआ रहता है तो कैमरा उस पर लगता नहीं है, और आगे से एक ज़्यादा निकला हुआ रहता है तो एक प्रॉब्लम और हो जाता है कि अगर आप बाइक ज़्यादा स्पीड चलाते हैं और इधर घूमते हैं तो इधर से जो भी हवा लगता है तो सर को थोड़ा और प्रेशर कर देता है इधर घूमने के लिए। तो इससे अच्छा रहेगा कि आगे से फ्लैट वाला लीजिएगा, थोड़ा कर्व टाइप का, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो हेलमेट अभी कुछ दिन मैं और यूज करूंगा, और यूज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस हेलमेट में कोई प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है, और जब मैं वो वीडियो शूट कर लूंगा, बना लूंगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। तो फिलहाल अभी ये ब्लॉग देख लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा एक स्टार्टिंग चैनल है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और मेरे अगर मोटो व्लॉगिंग वाला सेटअप आप देखना चाहते हो तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगा जिसमें मैं आपको मोटो व्लॉगिंग का सेटअप दिखाऊंगा। फिलहाल अभी जाइए आप मेरा गोप्रो वाला वीडियो देखिए जो कि मेरा मेन चैनल आर्य सिंह पर आया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अभी मिल जाएगा, तो जाइए वो वीडियो को जरूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।